জি আসসালামু আলাইকুম। জে ভারত, জে মহারাষ্ট্র, জে ভীম। আপ সব কি বহন আপ সবসে ইলতিজা করতি হ্যায় কি জল্দ সে জল্দ জুড়ে আর কমেন্টস মে আপ লোক সবকো ইনভাইট করে, জল্দ সে জল্দ জুড়ে মেরে ভাইও, মেরি বহনো, পাকিস্তান হো ইয়া ভারত হো, পাকিস্তান হো ইয়া ভারত হো, आप सब लोगों को बहुत ही जरूरी बात करने आई हूं मैं। काफी दिनों से मीडिया ये तो बता रही थी कि 14 फरवरी को पुलवामा अटैक में हमारे 40 से 48 या 50 जवान मर चुके हैं, शहीद हो गए हैं, माफी चाहती हूं। लेकिन उसके बाद मीडिया ने ये बताया कि हमारे देश से कई बॉम्ब, हजार बॉम्ब पाकिस्तान पे डाले गए, और वो इसलिए कि कश्मीर पर जो हमला हुआ था वो आतंकवादी पाकिस्तान का था। मैंने पहले भी पूछा था, मैं आज भी पूछती हूँ, यहाँ पे सिर्फ देशभक्त लोग ही मुझे चाहिए, वरना एक एक को ऐसा निकल के मारूंगी ना वीडियो में से कि आप लोगों की नानी याद दिला दूंगी मैं। सिर्फ और सिर्फ मुल्क की बात पे ही लोग आएंगे यहाँ पे, किसी पार्टी, किसी के पैर चाटने वाले, तलवे चाटने वाले लोग नहीं चाहिए मुझे, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, या किसी के दल्ले हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे भारत के, मेरे देश के चाहने वाले, मेरे मुल्क को अपने सर आंखों पर रखने वाले चाहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके 44 जवान मरे थे, एक आतंकवादी था, उसकी सारी डिटेल निकल गई, उसके कितने टुकड़े हुए वो भी निकल गए, हमारे 44-48 जवान मर गए, शहीद हो गए वो भी निकल गए, उसमें से कितने जख्मी हुए वो भी निकल गए, उनको कितनों को दफनाया गया, कितनों को जलाया गया, कितनों को तिरंगा लपटा गया, सब कुछ हो गया, ये सारी चीजें मीडिया ने दिखाई। तो ये दलाल मीडिया, लश्कर मीडिया जो मैंने नाम दिया है लश्कर मीडिया, ये लश्करे तालिबान के बाद लश्करे मीडिया जो नाम है, इस दलाल मीडिया वालों को मैं पूछना चाहती हूँ, 300 से 350 आतंकवादी मारे गए अगर बोमलास से, तो एक भी आतंकवादी अगर मरता उधर से, या नॉर्मल कोई बंदा मर जाता पाकिस्तानी, तो सबसे पहले अभिनंदन जी पाकिस्तान से भारत आ ही नहीं सकते थे। भाइयों, मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोगों ने हमेशा से अपना प्यार दिया है अपनी इस बहन की सच्चाई पे, हमेशा से हम लोगों के साथ आप भी खड़े हैं। मैं पाकिस्तानियों से भी कहना चाहती हूँ कि आप अपने लोगों को इनवाइट करें और ये सारी बातें शेयर करें, मिलियंस में, अरबों में, खरबों में शेयर करें, कि लोगों को पता चले कि इंडिया का मीडिया इतना गिरा हुआ है कि वक्त पड़ने पे अपनी माँ बहनों को भी बेच डाले, वक्त पड़ने पे ये अपनी माँ बहनों को भी बेच डाले। 300-350 आतंकवादी अगर इन भारत के जवानों ने मारा है वहां पर, अभिनंदन जी पकड़े गए, उनके साथ उन्होंने इस तरीके का सलूक किया कि उन्हें ट्रीटमेंट दी, उन्हें फर्स्ट एड दिया, उनके साथ उनको अच्छे से रखा। मैं तो कहती हूँ कि हर भारतवासी को ये पता चलना चाहिए कि मीडिया ने पाकिस्तान का नाम क्यों खराब किया, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में लोगों को जिताने के लिए। देखिए, जैसे मुझे अपना देश प्यारा है, पाकिस्तानियों को भी अपना देश प्यारा है, और मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई मेरे देश को मुर्दाबाद कहता है तो मुझे तकलीफ होती है। आज तक मैंने किसी के देश को मुर्दाबाद नहीं कहा है, आज तक मैंने किसी के देश को कभी मुर्दाबाद नहीं कहा, और हो सके तो मैं कभी किसी के देश को मुर्दाबाद नहीं कहूंगी, ये मेरे अल्फाज है। आतंकवादी मुर्दाबाद हमने कहे हैं, मैंने इमरान खान जी के लिए भी वीडियो डाला था, मैंने ये पूछा था कि इमरान खान जी, हमने ये नहीं कहा कि आप गलत हो, आपके पाकिस्तानी रहवासी गलत है, आपके 25 से 30 करोड़ लोग गलत है, हमने ये कहा कि आपके पाकिस्तान में जो तंजीमें चलती है आतंकवाद फैलाने वाली, उसको बैन करे और हमारा साथ दे, हमारी सरकार का साथ दे। लेकिन हमें क्या मालूम था कि हमारी ही सरकार हमारे जवानों के खून की होली खेल रही है, हमारे ही जवानों के खून की होली को खेल रही है। आज भी मैं कहती हूँ, इमरान खान साहब
आपको मैं सलूट करती हूँ। आपने अपने एक प्यार से दुनिया को झुका दिया, आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। यह यास्मीन अरोरा मुंशी कह रही है, भारत की बेटी। जी हाँ, मैं पाकिस्तान की नहीं, मैं भारत की बेटी हूँ। लेकिन मैं इसके लिए कह रही हूँ कि आपने मेरा दिल जीता, मेरे देशवासियों का दिल जीता। आपने इमरान खान जी, आपकी आर्मी ने मेरे आंखों से आंसू तक निकल गए। आप लोगों ने हमारा दिल जीता है और मैं सलूट करती हूँ इमरान खान जी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ये नहीं देखा कि वो इंडियन आर्मी का आदमी था। बेशक वो आया था आप लोगों के यहाँ भी कत्लेआम करने, मैं जानती हूँ, ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे अभिनंदन जी। लेकिन जो आप लोगों ने ट्रीटमेंट दिया है इमरान खान जी, दिल से कहती हूँ आपको और आपकी पाकिस्तान की अजमत को, हम सब सलूट इसके लिए करते हैं कि आपने हमारे जवानों की जान बचाई, बख्शी, जवान को सही सलामत हमारे घर पे बेचा। आप लोगों को हमारे पूरे भारत 125 करोड़ भारतवासियों का सैल्यूट देती हूँ मैं, बिहाफ ऑफ इंडियंस। उनकी फैमिली की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। उनकी अभिनंदन भाई साहब की जो बेटे हैं उनकी तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। पाकिस्तान की अजमत को मैं सलाम करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आज भी याद है कि पाकिस्तान के अगर किसी आर्मी जवान को अगर यहाँ पे पकड़ा गया था, उसे जूतों से मारा गया था, मुझे आज याद है। मेरे पास उसका सबूत है, रिकॉर्ड है। मैं आगे की बात इसके लिए आगे ज्यादा नहीं जाना चाहती इससे, क्योंकि मैं गलत फहमी का शिकार में हम आए थे और हम माफी मांगते हैं, पूरे भारतवासी पाकिस्तान वालों से माफी मांगते हैं। क्योंकि हमें जो दिखाया गया वो हमने कहा, जो हमें बताया गया वो हमने सुना और सोचा नहीं, उस पे भरोसा किया। मैं कहती हूँ कि अभी हमें एक संकल्प करना चाहिए, एक वादा लेना चाहिए हम सब से, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो पाकिस्तान की मीडिया हो, चाहे वो किसी और देश की मीडिया हो। मैं समझती हूँ हम सबको आगे आना चाहिए और ऐसी मीडिया को बॉयकॉट करना चाहिए जो दो देशों में झगड़े लगा रही है। ना भारत सरकार गलत है, ना पाकिस्तान की सरकार गलत है। मैं पिछली सरकार की नहीं, मैं प्रेजेंट सरकार की बात कर रही हूँ। इमरान खान जी, जो आप कदम उठा रहे हैं, कीप गोइंग इमरान खान जी, वी आर विथ यू। हम आप जैसों को और आगे बढ़ने की दुआएं देंगे। क्यों? क्योंकि आपने हमारे जवान को अपना जवान समझा, आपने उसके साथ एक ऐसी ट्रीटमेंट दी, उसको सही सलामत हमारे देश में भेजा, आपने उसके साथ दुश्मनी नहीं निभाई। आप चाहते इमरान खान जी, और पाकिस्तान अगर चाहता तो हमारा देश का जवान वापस नहीं आ सकता था, कुछ भी कह सकते थे। ये मैं इंडियन मीडिया को कह रही हूँ, इंडियन मीडिया को कह रही हूँ, थूकती हूँ मैं। तुम लोगों के तो टुकड़े टुकड़े होना चाहिए। अगर पाकिस्तान चाहता तो हमारे भारत का जो जवान है उसकी खबर भी नहीं देता कि वो जिंदा है। तुम लोगों ने उस पाकिस्तान में जब उससे क्वेश्चन किए गए थे कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे बीवी बच्चे कितने हैं, तुम्हारी जगह कौन सी है, तुम भारत में किस जगह से हो, तो ये सारी चीजें उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने सीक्रेट रखी। लेकिन सारी चीजें आपने नहीं बताया अभिनंदन जी, ये हमारी मीडिया, ये हमारी जूतों के तली वाली मीडिया ने इन सबको बताई। पाकिस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को बताई कि आप कहाँ से रहते हैं, आपकी कौन औलाद है, आपकी माँ है, आपका बाप है, आपका कौन है। ये सारी चीजें मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं आप सब लोगों से दिल से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बॉयकॉट करें मीडिया को। और दूसरी बात, आतंकवादी मरे, 300 मरे, 350 मरे, 200 मिले, मुझे उसका प्रूफ चाहिए, ये मीडिया देगी। और एक और बात कहना चाहती हूँ, जो सोचते हैं कि भारत के आर्मियों पे जाके सुसाइड बम लगा के मारेंगे, अरे तुम लोगों को मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ, तुम्हें मारना ही है ना, तो भारत के आर्मी जवान को ना मारे, भारतवासियों को ना मारे, तुम्हें मारना है ना, तो जो गलत मीडिया है उनको जाके मारो। लाशें बिछानी है ना तो ऐसों की बिछाओ, ये आतंकवादी से कम नहीं है। और हम आतंकवादी के अगेंस्ट खड़े हैं। सुषमा स्वराज अबू धाबी में जाकर कहती हैं कि हमें पाकिस्तान से बैर नहीं है, हमें पाकिस्तान में जो आतंकवाद फैल रहा है उससे बैर है। तो सुषमा स्वराज जी, हमें भी बीजेपी से बैर नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले जो आरएसएस वाले जो मॉब लिंचिंग में मुसलमानों को मारते हैं, हमें उनसे बैर है। सुषमा स्वराज जी, हमें भी आप लोगों से बैर नहीं है, आप लोग जो आर्मियों को मरवाते हो हमें उससे बैर है। सुषमा स्वराज जी, पार्शियलिटी नहीं करना, सुषमा स्वराज जी पार्शियलिटी करते हो आप लोग। आप कहते हो पाकिस्तान के रहवासियों से
हमें बैर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ की मीडिया को तुम इतना नहीं कहते कि पाकिस्तान 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 के नाम पे हमारा चुनाव मत जिताओ। पाकिस्तान के बिना तो तुम्हारे चुनाव भी नहीं जीते जाते। सुषमा स्वराज जी, मैं ये दावे से कहती हूँ कि अगर अगर लश्कर मीडिया को अगर किसी आतंकवादी ने इसके ऑफिस पे हमला किया तो दावे से कहती हूँ कि हमारे नेक्स्ट टाइम आर्मी नहीं मरेगी, हमारे कश्मीरी भाई नहीं मरेंगे। अरे हमारे कश्मीर के भाइयों को तुम मौत के घात उतार रहे हो ये कह के कि पाकिस्तानी वो अपने आप को कहते हैं। ना वो पाकिस्तानी है ना वो भारतीय है। पहले जानो उनका अस्तित्व क्या था, उनका पास्ट क्या था। वो एक सेपरेट कंट्री थी, उसका प्राइम मिनिस्टर भी सेपरेट हुआ करता था। आज 370 और 35 एक क्या एक्ट है इसको जानने की कोशिश करो, इसको खत्म करने की तुम कोशिश करते हो। अरे समझो तो सही कि मानवता क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है, इंसानियत क्या है। अरे किसी का देश तुम इसी तरीके से चुरा लोगे? तुम्हारा भारत भी गुलाम था ना एक जमाने में। मीडिया वालों को इतनी समझ नहीं है? अरे अगर तुम्हें फैलाना है तो प्यार फैलाओ बेवकूफों। पाकिस्तान तो 1947 की 14 तारीख को आजाद हुआ होगा, लेकिन उसके पहले जिसने भारत को आजाद करने में अपनी पूरी योगदान दी थी। और हाँ यही चीज है मेरी तुमको बुरी लगती है, वापस दोहराऊंगी, हमें माइनॉरिटीज में लाने के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था। हम मुसलमानों को 35% 33.5% मुसलमान थे जब भारत को हमने गुलामी से आजाद करवाया था अंग्रेजों से। उस वक्त 35% के करीब मुसलमान थे। तुम्हें मालूम था कि सत्ता मुसलमानों के हाथ में आ जाएगी अंग्रेजों के बाद। इसके लिए महात्मा गांधी जी ने दो दो कर दिए मुसलमानों के, उनके दो हिस्से कर दिए। एक का विभाग डाल दिया पाकिस्तान के नाम में, एक को डाल दिया हिंदुस्तान के नाम पे। मैं हर चीज सच आप लोगों के सामने लाती हूँ। इसके लिए कुछ लोगों को, कुछ अंध भक्तों को, कुछ ये कीड़ों को, ये दिमागी जो इसके कीड़े हैं ना, गोबर के, ये गाय के गोबर के कीड़े हैं, ये अंधभक्त है। ये गोबर में ऐसे चलने वाले ये छोटे छोटे वॉर्म्स है, कीड़े हैं, जिनको ये भी पता है इनके ऊपर सांप लोल जाते हैं जब मेरे मुंह से जबान से निकलता है कि पाकिस्तान पहले भारत था, वो बाद में पाकिस्तान बना। इसके लिए हर पाकिस्तानी से मैं नाता नहीं तोड़ सकती। पाकिस्तान में अगर तंजीमें गलत है तो उसका विरोध करती हूँ। अगर मैं पाकिस्तान वासियों से भी कहती हूँ, अगर मेरी कोई कड़वी बात आपको बुरी लगी हो तो मैंने आपको नहीं कहा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से कहा है जो बेवजह मुसलमान इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं। आप सबसे मैं उम्मीद करती हूँ कि मीडिया को आप लोग टारगेट करो, और अभी से टारगेट करो, उसकी औकात याद दिलाओ। और जिस तरीके से मैं सबके सामने आके बोलती हूँ, आप लोग भी आओ। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का उपयोग करो, उसको इस्तेमाल करो। और आज दिल से कहती हूँ, या अल्लाह, काश इसी तरह जिस तरह इमरान खान जी ने, PM ऑफ पाकिस्तान ने, जिस तरह दुनिया की नजर में सबको झुका दिया, सबको बता दिया कि देखो प्यार से किस तरीके से दिल जीता जाता है, काश मेरे देश का प्रधानमंत्री भी इस तरीके से दिल जीतता, ना कि पाकिस्तान के नाम पे इलेक्शन जीतता। अरे इमरान खान जी, आपने पूरी दुनिया को झुका दिया, आपने पूरी दुनिया को आपके प्यार से झुका दिया, सबको ये रियलाइज करा दिया कि आर्मी किसी की भी हो, जवान किसी की भी हो, भले वो आया था आप लोगों को खत्म करने, लेकिन आपने एक ऐसा मैसेज दिया है, ऐसा मैसेज दिया है कि इनके मुंह पे तमाचा है नफरत करने वालों के। अगर करना ही है तो प्यार करो लोगों से। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, आतंकवाद खत्म करना है, तो आतंकवाद के लिए बात करो, ना कि किसी देश को खत्म करने की बात करो। मैं हमेशा से कहती थी, आज फिर से दोहराती हूँ कि पाकिस्तान बुरा है, ना ही हिंदुस्तान बुरा है। अगर बुरा है तो हमारी ये मीडिया, लश्कर मीडिया बुरी है। और एक बात फिर से दोहराऊंगी, ना बेवकूफो ना फिकारो जो आतंकवादी है, अरे मारना ही है ना तो आर्मी के जवान ना मारो, उनके बीवी बच्चे हैं। कम से कम अगर तुम्हें मारना है ना तो ऐसे मीडिया वालों को मारो कि इनकी सात पीढ़ी भी कभी झूठ ना दिखाए टीवी पे, इनकी सात पीढ़ी भी कभी आकर ये ना बताए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ये बैर चालू है। जजाकल्ला खैर। वीडियो शेयर करें और इनकी नाक में दम कर दें आप लोग। मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ
मैं मेरे प्राइम मिनिस्टर से भी उम्मीद करती हूँ कि प्यार मिला है अगर पाकिस्तान से आपको, तो भारत से भी प्यार ही जाना चाहिए। बस करें, बस करें मोदी जी, आप ही नहीं जितने भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, बस कर दे। अगर आतंकवाद से लड़ना है तो लड़े, सपोर्ट ले, समर्थन ले। 2 से 3-4 बार आपको पाकिस्तान से इमरान खान का मैसेज आ गया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर जी किसको बेवकूफ बनाते हैं, इमरान खान तो पहल कर रहे हैं, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। हमारे पास उनके ट्वीट भी है, हमने ट्वीट भी पढ़े हैं इमरान खान के, क्या हम पहल कर रहे हैं। हमने उनके मुंह से अल्फाज सुने हैं कि वो पहल कर रहे हैं और वो लड़ना चाहते हैं, वो भी आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर सिर्फ उन्हीं पे क्रोध दिखा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ये बताते हैं कि वो आतंकवादी है। मेरे भाइयों, आज तो जाग जाओ। अगर नहीं जागे तो ये जवानों की तरह हम मरेंगे, हम सब मरेंगे। पाकिस्तान की अवाम भी मर जाएगी, भारत की अवाम भी मर जाएगी। जिंदा रहेंगे तो ये बेवकूफ जितने भी नेता हैं। आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको सच्चाई नहीं नजर आई मेरी इस बात में तो मुझे कह देना, जाकर हर घर में देखना इनके नेताओं के बीवी बच्चों को, सबको इन्होंने बाहर भेज दिया, क्योंकि इनको पता है कभी भी जंग हो सकती थी। इनको पता था पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, यहाँ से अगर ये भारत अगर वार करेगा तो पाकिस्तान भी वार करेगा। इनको पता था, इसके लिए इन्होंने अपने बीवी बच्चों को, सबको, पूरे खानदान को फॉरेन में भेज दिया, क्योंकि ये तो मरना नहीं चाहते। मरने के लिए तो हम जैसों को ही रखा है ना भारत में और पाकिस्तान में। ये सारे अपने नेता कुर्सी पे बैठे हैं, और देखना जिस दिन जंग अगर छिड़ गई तो उस दिन ये लोग अपने जेट फ्लाइट्स अपने लेके निकल जाएंगे, प्राइवेट फ्लाइट्स, और आप लोग और हम लोग मरेंगे इस देश में। ये नहीं मरेंगे, इनकी दुम है ना वो डॉग की तरह एकदम टेढ़ी है। 70 साल भी रखोगे ना तो ये दुम जैसी टेढ़ी है 1947 के बाद से उसी तरह रहेगी। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय इस्लाम।